क्वेश्चन में आज जो हम लोग पार्ट करेंगे वो करेंगे पार्ट सिक्स। ठीक बच्चे, यहाँ पे विद और वाई का अंतर देखेंगे कैसे होगा। एक्चुअली एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं और आपने पहले भी देखा होगा। तो विद एंड वाई प्रीपोजिशन का एक सीरीज दे रहा हूँ मैं आपको, आपके एग्जाम सीजीएल आ रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग करेंगे साथ साथ इसको। यहाँ पे अभी आप बेसिक करो प्रीपोजिशन का, इसके बाद प्रीपोजिशन का एडवांस क्लास भी लूँगा जिसमें कॉमन एरर्स होंगे। ठीक है, तो हो सकता है पार्ट सेवन पार्ट एट में एरर्स का पार्ट हो। तो प्रीपोजिशन का एक सीरीज है जो हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे। विद और वाई में क्या अंतर, ध्यान देना। विद का जो प्रयोग करेंगे हम लोग, वो विद का प्रयोग करना नॉन लिविंग के साथ। जो भी चीज नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा, यानी विद का प्रयोग नॉन लिविंग और नॉन डूअर का होता है। विद का प्रयोग सेकंड यूज है, वो कर सकते हो तुम नॉन लिविंग नॉन डूअर, एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट कर सकते हो डिवाइस के साथ। डिवाइस कोई भी सेंस ऑर्गन हो, डिवाइस मशीन हो। तो पहला मैं कहा कि डिवाइस के साथ, डिवाइस का मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम विद लगा सकते हैं। विद का प्रयोग कर सकते हो आप, अगला जो कंसेप्ट है वो सेंस ऑर्गन के साथ, सेंस ऑर्गन के साथ ये विद का प्रयोग है। नॉन लिविंग नॉन डूअर के साथ, डिवाइस इंस्ट्रूमेंट के साथ, सेंस ऑर्गन के साथ। ठीक है फाइन, अभी एग्जांपल दिए जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि विद का प्रयोग निर्जीव, विद का प्रयोग डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, विद का प्रयोग सेंस ऑर्गन, राइट। बहुत मिस्टेक्स होता है, अब एग्जांपल जस्ट दूंगा। ठीक है, वाई का जो यूज करना वो करना डूअर के साथ। अब डूअर का मतलब क्या होगा, लिविंग, यानी वाई का प्रयोग करना डूअर के साथ लिविंग के साथ। बाई का प्रयोग करना कोई भी, जैसे सेंस हो कि एक डूअर है लिविंग है, दूसरा सेंस होता है द्वारा। ठीक है, हिंदी का सेंस क्या, द्वारा। तीसरा सेंस होता है तक, और तक का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर टाइम। ठीक है, तीसरा प्रयोग करना मीडियम के लिए, मीडियम, मीडियम का मतलब यहाँ भी सेंस द्वारा, यहाँ भी कर सकते हो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, इस तरह के प्रयोग कर सकते इसका। अब मैं एक एक करके सबका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय समझाया, कुछ एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। मिटा दिया जाए बच्चे, विथ नॉन लिविंग नॉन डूअर, डिवाइस सेंस ऑर्गन, ये विद का है। बाय का डूअर, द्वारा, तक, मीडियम, बाय कार, बाय ट्रेन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप बेहतर कर पाओ। मिटा दी जाए इसको, अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग गौर से। दोनों एग्जांपल में साथ दे रहा हूँ और बोर्ड पे मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझने का प्रयास करें। हमने कहा वी सी आवर आइज। ठीक है, पहला वी शुड राइट अ लेटर, वी शुड राइट अ लेटर अ पेन। ठीक है, द लायन was killed, the lion was killed, dot dot, Harry, dot dot, gun। ठीक है, और यहाँ पर लिखो, he was beaten, his, बिल्कुल बेसिक से देखो। जब तक बेसिक नहीं तो एडवांस नहीं, तो पहले बेसिक से देखो, एग्जाम्पल के साथ काम करने का प्रयास करो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो, आई केम हेयर डॉट डॉट अ कार, आई केम हेयर डॉट डॉट अ कार, फाइन बच्चे। अब यहाँ ध्यान देना, नीचे वाले के लिए मैं भी बात करूँगा और फिर वाले की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल लिख लिया सबने, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो,
सब में विद और वाइज में चुनना है. वी सी आवर आइज, हम लोग अपने आँखों के द्वारा आँखों से देखते हैं. तो कितने बच्चे इसमें बाय लेना चाहते हो? दो बच्चा. कितने बच्चे विद चाहते हो? इतने सारे. तो मुझे बताएं आवर आइज जो आँखें हैं ये सेंस ऑर्गन है या नहीं है? तो सेंस ऑर्गन में क्या विद लगा बाय लगाते हो? तो हिंदी नहीं निकालना द्वारा द्वारा, यहाँ पे भाव निकालना. तो भाव है क्या, कंसेप्ट क्या कहता है? तो वी सी विद आवर आइज, ठीक है. जबकि बहुत सारे बच्चे क्या लगा देते हैं? बाय आवर आइज, क्योंकि वो सोचते हैं कि आँखों के द्वारा देखते हैं. जबकि ये है क्या, सेंस ऑर्गन है. तो क्या लगेगा यहाँ? विद आवर आइज. दूसरा, वी शुड राइट अ लेटर, हम लोगों को पत्र लिखना चाहिए. बोलो बाय या पेन की विद अ पेन? बोलो पेन तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? पेन तुम्हारा नॉन लिविंग है कि नहीं? पेन तुम्हारा डिवाइस है कि नहीं? तो डिवाइस भी है, नॉन लिविंग भी है, सारा फंक्शन मिल रहा है. तो क्या लगेगा? विद अ पेन. दूसरा, द लायन वाज किल्ड, शेर को मार दिया गया. हैरी, हैरी एक आदमी है तो इसके माध्यम से मारा गया. तो क्या लगाएंगे? दूसरी बात, हैरी क्या है? लिविंग है. तो लिविंग हुआ, डूअर हो, तो क्या लगाते हैं भाई? हैरी क्या है? डूअर भी लिविंग भी, तो क्या लगाएंगे भाई? अब देखो आगे दिया गन, गन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या लगेगा? विद गन, ठीक है. तो लैंड वाज किल्ड बाय हैरी विद अ गन भी कर सकते हो. अगला है, ही वॉज बीटेन, डूअर है फादर, तो क्या लगेगा? हाँ बाय. आई केम हियर, इस कंसेप्ट को मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, इस कॉन्सेप्ट को पहले भी पढ़ाया हूँ. तो जरा मुझे बताओ बच्चे कि आई केम हियर बाय अ कार या बाय अ कार? अब ध्यान दो, यहाँ पे आर्टिकल ये लगा है. तो कहा था ना कि बाय के साथ अगर यहाँ पे नाउन हो और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो तो बीच में आर्टिकल नहीं आता. पढ़ाया था ना पिछले क्लास में. तो बाय ए कार नहीं होगा, ए यहाँ पे हट जाएगा और सिंपल अब लगेगा आई केम हियर बाय कार. अब मुद्दा है कि सर ए लगा है तो क्या करेंगे? तो जब ए लगा होगा तो बोलना पड़ेगा इन द कार, ना बाय लगेगा ना विथ लगेगा. बस मेरे, यानी बाय प्लस नाउन, बीच में आर्टिकल नहीं लगता. नो आर्टिकल किस केस में? जब यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट वाले को भी डाउन हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, तो यहाँ पे बाय ये कार बाय द कार नहीं होगा. सिंपल होगा आई केम हियर बाय कार, इसलिए मैं इसको रोका था. तो आई केम हियर बाय कार, अगर ए लगा दोगे तो जाए इन द कार. तो ये बीथ और बाई बिल्कुल छोटे से पार्ट हैं, छोटे छोटे वीडियो देखो. समझ में आया कि नहीं यार? दो मिनट पाँच मिनट देखो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे.